आज कैंडल मार्च निकाला गया किस प्रकार से? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का आज के दिन जो है संसार से छूट गया, इसलिए जो है बाबा साहब वो हैं जिन्होंने चार तीन तीन बच्चे चले गए और अपने बच्चों को न देखते हुए पूरे भारत को अपना बच्चा मानकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रहे विदेशों में, और जब भारत आए तो उन्होंने सभी के लिए, चाहे अंगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, महिलाओं हो, भारत में यहाँ किसी को कोई अधिकार नहीं था। यहाँ एक मनु संविधान था जिसमें बड़ व्यवस्था के आधार पर लोग जीवित थे। क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र शूद्रों को सेवा करने के अलावा कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं पुरुषों के बराबर आदि हैं, उन्हें तो किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं था और समान से वंचित रखा जाता था। इसी प्रकार एक वर्ग को शिक्षा और भिक्षा का अधिकार था, केवल भीख मांगने का, और शिक्षा देते थे। इन सबको भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्हें फरिश्ता मानिए, दाता मानिए, भगवान मानिए, उन्होंने संविधान बनाकर वो अधिकार दिया। इन सबको अगर वो संविधान नहीं बनाते तो उनको कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जय भीम, जय भारत।